बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है? नहीं, हर समय चुनावी मोड में नहीं रहते, अभी अनेक अभियान हैं पार्टी के, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा जीतने के बाद, हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ और रामपुर का, उसे भी हम लोगों ने जीता है। अब इसके बाद अभी नगरी निकाय के चुनाव होंगे, हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा, और इसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 75+ में रहेंगे। और जो चित्रकूट का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वह 3 दिन का प्रशिक्षण, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और मैं भी आज वहाँ शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो वो लगातार उनकी समाजवादी पार्टी से दूरी है, उनको मुक्त भी वहाँ कर दिया गया, तो क्या बीजेपी के पास आने की कोई 2024 तक संभावनाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप भाजपा के पास अगर किसी को भी आना होगा तो वो भाजपा के नेतृत्व से बात करेगा। अभी हम लोगों की कोई ऐसी बात जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई बीजेपी में आने की बात की है, इसलिए इस पर सवाल भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आके जा भी चुके थे दोबारा? नहीं, तो पहले हमारे यहाँ से चले गए, तो मैंने कहा ना कि अभी हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व से किसी से संपर्क उन्होंने नहीं किया, जब करेंगे तब विचार करेंगे। ओवैसी ने कांवड़ियों पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।